मोदी पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास का हमला, कहा बेशर्मी की भी सीमा होती है। जी सही सुना आपने, आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। भारत में आई कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने अपनी चपेट में लाखों लोगों को ले लिया है। इस भयंकर महामारी के दौरान देश के कई राज्यों के सरकारी और निजी अस्पतालों में भारी भीड़ देखने को मिली। ऑक्सीजन और दवाओं के अभाव के कारण लोगों को सही वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया, जिससे मौतों का आंकड़ा भी काफी बढ़ा। कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई दुनिया भर के सामने आ चुकी है, जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री की हर तरफ काफी आलोचना भी हुई है। कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन की किल्लत के साथ साथ देश के अस्पतालों में बेसिक सुविधाओं के न मिलने की वजह से भी मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस मामले में जैसा कि आप जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि देश में 21 जून से हर राज्यों में 18 साल की उम्र के सभी नागरिकों को सरकार द्वारा फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया है। इस मामले में कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने दूसरी लहर के दौरान युद्ध स्तर पर काम किया, सभी को ऑक्सीजन दी। मैंने सुना था बेशर्मी की भी कोई सीमा होती है। हैशटैग भाषण नहीं माफी मांगो। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के संबंध में नरेंद्र मोदी से 35,000 करोड़ का हिसाब मांगा है, जिस पर इतने दिनों से कोई जवाब नहीं आने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देश में फ्री वैक्सीन का ऐलान कर दिया। इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि कोविड-19 महामारी से जुड़ी हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे।